हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है बेटा, क्लास 12 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। क्या होता है मैट्रिक्स? अ सेट ऑफ mn नंबर्स। नंबर्स की जगह एलिमेंट्स भी आ सकता है। ठीक है बेटा, कि कुछ एलिमेंट्स का सेट होता है m इंटू n, यानी टोटल mn का, है ना, जो कि रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं आपके। ठीक है, नंबर्स हो या फंक्शन हो, कुछ भी हो सकते हैं आपके। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ m इनटू n मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, तो आप देखिएगा ध्यान से। मैंने एग्जांपल यही वाला लिखा भी जो दे रखा है आपको, 1, 4 और यहाँ पर 1 और -5। अगर मैं कहूँ इसमें कॉलम, ये रोज होती है, पहले आप देखिए रोज कितनी आपकी R1, ये सेकंड रो है तो R2, और ये कॉलम होता है आपका बेटा ऐसे करके, तो ये आपका पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। तो इसमें कितनी रोज है आपकी? टोटल 2 रोज है, और कितने कॉलम्स आपके? 2 ही कॉलम्स है। इसी तरह से अगर मैं एक और मैट्रिक्स लूं, जैसे कि इसमें दे रखी आपको सेकंड वाला एग्जाम्पल, इसकी जगह कुछ और ले लेते हैं। यहाँ देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, कुछ भी नंबर एलिमेंट्स हो सकते हैं आपके। तो इसमें अगर मैं कहूं बेटा, इसमें रोज कितनी आपकी? फर्स्ट रो और ये आपकी सेकंड रो, जबकि कॉलम आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अब आप देखिएगा, ये तो हुई आपकी मैट्रिक्स। यहाँ पर और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं आपके। देखिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, तो यहां मैं क्या कह रहा हूं आपसे, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना आपके, चहेते होते हैं आपको पता है। तो इसमें रोज कितनी बेटा आपकी? 1, 2 और 3, और कॉलम कितना आपका? ओनली 1। अब यहां पर आता है आपका बेटा, यहां लिखा हुआ है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को शो किया जा रहा है 2 इंटू 2, और यहाँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को शो किया जा रहा है 2 इंटू 3, और यहां पर m इंटू n लिखा हुआ था। ठीक है, तो आप देखिएगा ये ऑर्डर होता क्या है। तो ऑर्डर हम कैसे लिखते हैं आप देखिएगा बेटा, पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ रोज, रोज कितनी आपकी? 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने आपके? 2, तो 2 इंटू 2 है इसका ऑर्डर। ए का जो ऑर्डर है वो कितना है? 2 इंटू 2। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज कितने आपकी? 2, और बेटा इसमें कॉलम्स कितने आपके? 1, 2, 3, तो 3। तो बी का ऑर्डर कितना आपका? 2 इंटू 3। इसी तरह से बेटा सी, सी को देखिएगा आप, इसमें ऑर्डर कितना आपका? R1, R2, R3, यानी रोज कितनी है? 3, और कॉलम कितना बेटा आपका? 1। तो इस तरह से आपको मैंने बताया कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को शो करने के लिए, ठीक है, एक तरीका होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, और कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करते हैं, और कैसे करते हैं आपको मैंने बता दिया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर होता है आपका नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसके आगे की कहानी देखिएगा बेटा, अगर पूछा जाए टोटल एलिमेंट्स, तो आप काउंट करके भी बता सकते हो कितने, 4, लेकिन आप देखिए कितना आया टोटल एलिमेंट्स, मतलब ये 4, यहाँ पर टोटल कितना आया? 2, 3 जा 6, तो काउंट करने की जरूरत नहीं। यहाँ कितना आया आपका? 3 जा 3। तो ये क्या होता है बच्चे, आपके टोटल एलिमेंट्स। अगर कभी भी पूछता है तो जो ऑर्डर दे रखा है उसकी मल्टीप्लाई पूरी करके दिखा दीजिए, तो आपके क्या आ जाते हैं बेटा? टोटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें आगे देखिएगा बेटा, ये आपका हो गया ऑर्डर, आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे जो चलता है ना बेटा, आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना, इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो देखिएगा टाइप्स में क्या आता है बेटा आपका, है ना, और टाइप्स से पहले मैं आपको छोटी सी बात और बता देता हूँ बेटा आपको, तो पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि अगर एक मैट्रिक्स आपकी इस टाइप से आपको दे रखी है बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर भी ए ए ए, ये सारे एलिमेंट्स, लेकिन ये तो जनरल एलिमेंट मैंने आपको दिखाया, और यहां मैंने क्या किया, ये C1, C2 और बेटा आपका C3, जबकि यहाँ क्या है आपका R1 और R2। तो ये जो है ना बेटा जनरल एलिमेंट होता है, इसमें AIJ क्या होता है बेटा? AIJ, जो कि इन सबको रिप्रेजेंट करेगा, और इसकी जो है ना वैल्यू आपकी वेरी करेगी कि आपका प्लस टू प्लस कैसे। यहां देखिए इस वाले के लिए, इसके लिए बेटा रो कौन सी आपकी? 1, कॉलम कौन सा है? 1, तो क्या है? 1 1। इसी तरह देखिए रो कौन सी आपकी इसकी? 1, और बेटा कॉलम 2। यहां देखिए रो कौन सी इसकी? 1, लेकिन कॉलम 3। तो हम क्या लिखेंगे, पहले रो लिखेंगे, रो इसकी कितनी है? 2, और फिर कितना लिखेंगे हम बेटा ऊपर? 1। देखिएगा बेटा रो कितनी है? 2, और कॉलम कितना है आपका? 2, और बेटा यहां देखिए रो 2 और कॉलम कितना बेटा आपका यहाँ पर? 3। तो इस तरह से एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है, अब इसके जस्ट आफ्टर हम क्या पढ़ने वाले हैं आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस को आप पूरे कंसंट्रेशन से देखिएगा कि क्या दे रखा है आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस में।
तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले रो मैट्रिक्स, और रो मैट्रिक्स को यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने कुछ समझाने की कोशिश की है, क्या लिखा मैंने आपका बेटा सिंगल रो। सिंगल रो का मतलब ये आपका देखिएगा बेटा, ये आपकी एक मैट्रिक्स है, इसमें रो कितनी है वन, कॉलम कितना है थ्री। यहाँ रो कितना है बेटा आपका वन और कॉलम कितनी है टू, और यहाँ पर बेटा वन और वन। तो कहने का मतलब ये तीन एग्जाम्पल आपको दे रखे, और इन थ्री एग्जाम्पल्स में सभी में आप देखोगे कि रो कितनी है आपकी, नंबर ऑफ रो सिर्फ वन वन वन। पहले मतलब ये जब एक ही रो होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह से आप देखिए कॉलम मैट्रिक्स को, बिल्कुल क्या दे दिया आपको बेटा, सिंगल कॉलम। तो सिंगल कॉलम में क्या होगा, कॉलम एक होना चाहिए चाहे रो आपकी एक से ज्यादा हो। अब देखिए ये वाली दो मैट्रिक्स आपकी, ये दोनों एक सी है ना, तो कहने का मतलब ये कि जो वन इंटू वन वाली मैट्रिक्स होती है, कहने का मतलब ये है बेटा कि इसको हम रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कहने का मतलब ये, अगर आपसे कहा जाए कि आप क्या कीजिए, एक एग्जाम्पल दीजिए हमें कि जिस जो आपकी रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो, तो आपने कौन सा देना है, वन इंटू वन का देना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए सिंगलेटन मैट्रिक्स, सिंगलेटन से सिंगल वर्ड आपको दिख रहा है, सिंगल है ना बेटा, सिंगल तो आप बहुत अच्छे समझते हो ना, तो ध्यान से देखिएगा आप इसमें बेटा। तो यहां पर क्या बेटा, एम और एन दोनों क्या होने चाहिए वन, यानी कि क्या वन इंटू वन वाली मैट्रिक्स आपकी, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सिंगलेटन मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है बेटा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, तो आप देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है मेरे बच्चों, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, एम इक्वल एन होता है, यानी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आपके। देखिए टू इंटू टू हो सकती है ये आपकी, वन इंटू वन हो सकती है, थ्री इंटू थ्री हो सकती है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कहेंगे इसको, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ कॉलम होगा तो उसमें हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके आगे देखिए बेटा डायगनल मैट्रिक्स, तो डायगनल मैट्रिक्स में क्या बेटा आपका, देखिए बेसिकली आपको पता है कि एक स्क्वायर में डायगनल जो होते हैं बेटा आपके कितने होते थे, स्क्वायर में डायगनल्स एक ही होता था, एक ही होता था। ठीक है, बट मैट्रिक्स में जो काउंटेबल होता है ना आपका, वो सिर्फ कौन सा डायगनल काउंटेबल होता है आपका, आपको पता होना चाहिए ये वाला, इसके प्रिंसिपल डायगनल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल डायगनल। तो एक सिंगल सिंगल डायगनल को ही काउंट करके चलते हैं, और कौन सा आपका, ये वाला। आपको देखो मैंने यहां भी दिखा रखा है, ठीक है, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी आप देखिएगा ध्यान से, मैंने इसकी थ्योरी बना रखी है इसलिए। तो यहां पर क्या बेटा आपका डायगनल मैट्रिक्स, तो डायगनल मैट्रिक्स में क्या लिखा बेटा आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है ये, सबसे पहली बात। ठीक है बेटा, क्योंकि डायगनल जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होगा, किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं होगा। अब आप कहिए यहां पर क्या होगा डायगनल, तो नहीं पता यहां पर क्या होगा, अरे निकाल ही नहीं सकते, डायगनल किसका होता है हमेशा, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, किसका होता है मेरे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स का। अब आप देखिएगा ध्यान से, तो यहां पर क्या बेटा आपका, ये देखिए यहाँ डायगनल के एलिमेंट्स वन है, यहां पर फाइव है ना कुछ ना कुछ, लेकिन बाकी क्या है जीरो जीरो। और इसके आगे भी देखिए, ये क्या बेटा आपका थ्री फाइव नाइन, और बाकी जितने भी डायगनल के अदर देन वो सब क्या है जीरो जीरो जीरो। यानी डायगनल के एलिमेंट्स में तो कुछ ना कुछ नॉन जीरो होगा, और जबकि जो डायगनल के अदर देन जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, सारे जीरो जीरो होंगे। अब आप देखिए इस लैंग्वेज को भी हमें पढ़ाना चाहिए, ये वाला कौन से वाले की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपका, ध्यान से देखिएगा ना कौन से की बात कर रहा हूं, देखिए ये भी हमें पढ़ाना चाहिए, ये वाला बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको ठीक है ना लिमिट्स में देखते थे ना 13 चैप्टर में 11th में, है ना उसी टाइप से फंक्शन इसमें ऐसे ब्रेक करके देते था। तो इसको देखना कोई मुश्किल नहीं है, इससे बचना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ऐसे भी लिखा हुआ जाता है, तो हमें इसे आना चाहिए कि कहना क्या चाह रहा है। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों, ये लिखा है बेटा आपका, ठीक है, उसने कहा ए आई जे इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जीरो जब होगा जब बेटा आई इक्वल नहीं होगा जे के। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं आप देखिए, ये मैं आपको बता देता हूं बिल्कुल सिंपल वे में। अरे भाई ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, आप देखिएगा मेरे बच्चों मैं क्या कर रहा हूं इसमें, ए वन वन तो देखिए दोनों क्या है इक्वल है, और टू टू ये दोनों क्या है बेटा आपके इक्वल है, और जहां इक्वल है ये वन वन के टू टू के, तो वहां पर क्या होगा बेटा इक्वल वाले केस में नॉन जीरो वैल्यू होगी आपकी। अब नॉन जीरो मान लो मैंने, मान लिया टू और थ्री, कुछ भी मान लीजिए, और जबकि जहां आई नॉट इक्वल टू जे के है, यहां देखिए ये वन और टू इक्वल है क्या, नहीं, टू और वन इक्वल है क्या, नहीं, तो जहां इक्वल नहीं है वो वाले एलिमेंट्स क्या होंगे बेटा आपके जीरो, यानी ये आपका ठीक है ना, क्या लिखा है आपका बेटा डायगनल मैट्रिक्स ही लिखी हुई है ये भी आपकी, तो ध्यान रखिएगा ऐसे भी शो कर सकते हैं आप इसको। अब आप इसके आगे आ जाइए बेटा, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिएगा। डायगनल के बाद आती है आपकी बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या आती है बेटा आपकी, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, क्या आती है मेरे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर को क्या लिखा है, डायगनल मैट्रिक्स ही होती है ये, ठीक है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में होता क्या एक्चुअल में, हाँ देखो ये वही चीज लिखी हुई है आपकी दोबारा से,
दोबारा से मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूं, तो यहां देखिएगा ध्यान से क्या लिखा बेटा आपका। ये अगर मैं कहूं आपसे बेटा, ये आपका A11, A12, A21 और A22, तो यहां पर वैल्यूज क्या होगी, तो आप देखिएगा बच्चों, उसने कहा जहां आई इक्वल जे है वहां वैल्यू क्या होगी, के होगी। आई इक्वल जे कहां होता है बेटा आपका, डायगनल एलिमेंट्स में ही आई इक्वल जे होता है। तो डायगनल एलिमेंट्स कौन कौन से आपके, ये वाले बेटा, तो यहां पर वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 1 के इक्वल है 2 2 के, इसका मतलब i इक्वल्स टू j है आपका किस में होता है, आपका i इक्वल्स टू j बेटा आपका प्रिंसिपल डायगनल में। तो इसकी वैल्यू जो उसने बताई है k, बताइए k मतलब कि कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम होगी दोनों की वैल्यू। और बाकी आप देखिए जहां इक्वल नहीं है वहां पर वैल्यू क्या आपकी, जीरो। यानी ये जो है आपके बेटा, ये वाला और ये वाला दोनों एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। अब बाकी के एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पर क्या बेटा डायगनल के एलिमेंट सेम है, डायगनल के एलिमेंट सेम है चाहे वैल्यू कुछ भी हो लेकिन क्या है इनकी सेम है। और यहाँ पर भी बेटा डायगनल के एलिमेंट्स जो आपके वो बिल्कुल डिक्टो एक जैसे हैं, ठीक है। तो जब डायगनल के एलिमेंट्स आपके सेम होते हैं और बाकी के सारे एलिमेंट्स आपके जीरो होते हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्क्वायर वाली को क्या कहते हैं, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगनल के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बस आपने याद रखना है, ठीक है। अब आप आ जाइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है मेरे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, स्केलर मैट्रिक्स ही होती है एक तरह की, यानी इसके डायगनल के एलिमेंट सारे इक्वल होंगे लेकिन आइडेंटिटी किसको कहते हैं, वन को, तो किसके इक्वल होंगे, वन के इक्वल। तो आप देखिएगा ये वन वन, ये वन वन, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से शो करते हैं, आई टू शो कर रहा है बेटा आपका 2 × 2 को, और आई थ्री शो कर रहा है 3 × 3 को। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर खाली आई लिखा हुआ है तो वो कोई सी भी मैट्रिक्स हो सकती है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम ले लेंगे जो भी दे रखा होगा, 2 × 2 लेनी है, 3 × 3 है ना। और ये समझा भी दिया कि जहां डायगनल के एलिमेंट्स है वो क्या है, वैल्यू वन, और जहां डायगनल के एलिमेंट्स नहीं है वो क्या है, सारे जीरो। तो आप देख लीजिए इसे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। फिर आता है आपका जीरो नल या वॉइड मैट्रिक्स, क्या आता है बेटा आपका, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, या आता है आपका वॉइड मैट्रिक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, इसको हम कैपिटल ओ से शो करते हैं, और इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये देखिए रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, ठीक है, कौन सी वाली, नल मैट्रिक्स है ना। बाकी ऊपर की हमने जितनी पढ़ी है वाली, ये सब क्या है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी, लेकिन नल वाली में आपकी बेटा स्क्वायर में भी हो सकती है, रेक्टेंगल के फॉर्म में भी, लेकिन ईच एलिमेंट क्या होगा आपका, हमेशा जीरो जीरो होगा, ठीक है। अब आप आ जाइए बेटा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में आप देखिए कि ये आपका डायगनल के ऊपर का ट्राइंगल बन रहा है, तो यहां तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, बाकी सारी वैल्यूज क्या है, जीरो। ये भी देखिए, ये भी यही चीज है ना, और ये भी यही चीज है। और जो आपका बेटा लोअर ट्राइंगुलर होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा आपका, उसमें भी सेम यही होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। लोअर ट्राइंगुलर में क्या होगा बेटा आपका, लोअर वाले में कुछ ना कुछ है बाकी सब जीरो, यहां कुछ ना कुछ है बाकी सब जीरो। और इसको वैसे इसको देखने की जरूरत नहीं अभी, ठीक है, इसको रहने दीजिए, बेकार में आप और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी खुद देख लेना, मैंने सिखा दिया आपको देखना। तो अब इसके आगे देखिएगा लास्ट, बिल्कुल बेटा एक छोटा सा वो दिया आपका, यहां क्या दे रखा है आपको बेटा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ते हैं। अगर टू मैट्रिक्स आपकी इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि एक्स इक्वल क्या आएगा बेटा आपका 5, तो एक्स इक्वल क्या आ गया आपका 5 आ चुका है। और मेरे बच्चे वाई इक्वल क्या आएगा आपका 4, तो वाई इक्वल टू आपका क्या आ चुका है बेटा 4 आ चुका है। तो ये बेसिकली हमने पढ़ना है 3.1 में, इसमें इंट्रोडक्शन भी दे दिया मैंने आपको, टाइप्स भी बता दिए, और जो कुछ आने वाला है आपका 3.1 में उसके लिए मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया अच्छे से। तो अब प्लीज देखिएगा 3.1 में हमसे क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी इसका लेवल है। तो आप देखिएगा 3.1 में ये आपको एक मैट्रिक्स दी है, इस मैट्रिक्स में आपको पता है कि भाई इसमें रोज कितनी है, R1, R2, R3, कॉलम्स आपके C1, C2, C3, C4। अब आप देखिएगा द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, तो ऑर्डर पूछ रहे हैं, तो ऑर्डर आपको पता है बेटा क्या होता है आपका, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितना है 3, और इंटू में नंबर ऑफ कॉलम्स यानी 4, तो ऑर्डर आ गया बेटा आपका 3 × 4। अब आप देखिएगा सेकंड पार्ट में वो आपसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने की जरूरत नहीं, 12 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा क्या लिखेंगे, 3 × 4 जो भी आ रहा होगा, तो हम उसको क्या लिख देंगे, टोटल कितना आपका 12 आ गए, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स आपके 12 है। अब आप देखिएगा थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में आपसे उसने क्या पूछा है बेटा, A13, A13 का मतलब है, 1 का मतलब है आपका ये क्या है, रो, और ये क्या है बेटा आपका कॉलम, तो वे एलिमेंट्स बताने बेटा हमने जो फर्स्ट रो में और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो में तो सारे एलिमेंट्स है लेकिन कौन सा कॉलम, थर्ड, तो थर्ड कॉलम में क्या है 19, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा,
तो आपका 19। इसी तरह से आप देखिएगा A21, तो मेरे बच्चों A21 का मतलब आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये है या ये है, ये है, और फर्स्ट कॉलम ये है, तो आपका क्या है बेटा आपका 35। इसी तरह और क्या पूछा आपसे, A33 यानी रो भी आपकी 3 और कॉलम भी आपका 3, तो आप देखिएगा 3 में 3 में तो आपका क्या आ रहा है मेरे बच्चों, माइनस का 5 आ रहा है। और क्या पूछा आपसे, A24, तो A24 का मतलब आपका सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो ये रही आपकी बेटा और फोर्थ कॉलम ये रहा, तो आपका क्या आएगा इसमें 12 आ जाएगा, कितना आ रहा है आपका बेटा 12। और फिर लास्टली उसने क्या पूछा है, A23, तो 23 का आपको पता है कि क्या होगा आपका बेटा, 23 का मीनिंग सेकंड रो ये रही और थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम आपका कितना हो गया बेटा आपका, ये थर्ड कॉलम में 5/2, तो ये आपका 5/2 आ गया। अब आप नेक्स्ट देखिए बेटा, इसमें क्या दे रखा है, क्या पूछा है ना, देखिए इस क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं थोड़ा सा, ढंग से देखना बेटा। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। उसने कहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने 24 है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके 24, तो क्या क्या ऑर्डर्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो वो ऑर्डर्स हम कैसे बताएंगे देखना। आपको पता है भी 3×4 ऑर्डर आया था, तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए थे, 3×4=12 है ना, तो इसका जो प्रोडक्ट आता है वो आपका टोटल एलिमेंट्स होते हैं, किसका प्रोडक्ट आपका बेटा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स का, तो कुल मिला के इसके फैक्टर्स बताने हमने कि कैसे कैसे हो सकते हैं। तो आप देखिएगा 1×24 हो सकता है और 24×1 हो सकता है, फिर आप 2 से ट्राई कीजिए, 2×12 हो सकता है और 12×2 हो सकता है, फिर आप 3 से देखिए, 3×8 हो सकता है और 8×3 हो सकता है, उसके बाद आप देखिएगा 4, तो 4×6 हो सकता है और 6×4 हो सकता है, फिर आप सोचेंगे 5 का टेबल जाएगा, नहीं जाएगा 24 में, फिर 6 का 6 ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब टोटल आ चुके हैं कि भाई इतने ऑर्डर्स होंगे, ये ऑर्डर्स होंगे टोटल, आपसे उसने नहीं पूछा कि कितने होंगे, नहीं तो आप बता देते टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स इक्वल्स टू आपका 8, लेकिन उसने पूछा क्या क्या होंगे, तो आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। और उसने ये कहा है सेकंड पार्ट में, इसी का सेकंड पार्ट उसने एक तरह से क्या दे रखा है, तो फर्स्ट था आपका बेटा, सेकंड पार्ट में उसने आपको क्या दिया, सेकंड पार्ट में उसने कहा अगर 13 एलिमेंट्स होते तो क्या होता, तो 13 के तो फैक्टर्स आपके 1×13 या फिर 13×1, इसके अदर देन कुछ भी पॉसिबल इसमें नहीं है। अभी आता तो सबको क्वेश्चन, बट कंफ्यूज मत होना कभी भी, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 1 का टेबल जाए तो 1, फिर 2, 3, 4, जहां तक भी है ना सिक्वेंस वाइज चलना है हमने इसमें, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें क्या दे रखा है बेटा आपको, मैंने देखिए नेक्स्ट आपका कौन सा आपका थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, यही एलिमेंट्स इस बार क्या है बेटा आपके 8 है और दोबारा में कितने बेटा आपके 5 है, तो देखिएगा 18 वाले में क्या करेंगे, 1×18 और क्या आएगा आपका 18×1, 1×18 बता रहा हूं बेटा मैं आपको और 18× क्या बता रहा हूं बेटा मैं आपको 1, तो आप देखिएगा बेटा, फिर उसके बाद क्या है बेटा आपका, बल्कि इसके आगे लिख लीजिए आप इसको, है ना, देखिएगा ध्यान से बेटा, 1×18 और 18×1, ये आपको मैंने बताया और आपने कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखिएगा ध्यान से बेटा इसमें क्या है आपका, फिर 2×2 कितना आएगा बेटा आपका 9, तो 9×2 क्या आएगा बेटा आपका 2, फिर 3 का टेबल भी पॉसिबल है इसमें, 3×6 देन 6×3, 4 का टेबल जा रहे हैं नहीं, 5 का नहीं, 6 का जा रहे हैं, 6 ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं किसके आपके 18 के। और अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं तो 1×5 और क्या बेटा आपका 5×1, इसके अदर देन तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता, आप देख लीजिए ना, तो ये एक अलग टाइप था क्वेश्चन का, मैंने आपको करा दिया। अब आप नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है उसने कहा कंस्ट्रक्ट अ 2×2 मैट्रिक्स A=AIJ स्मॉल में, Whose elements are given by, ये आपको एलिमेंट्स उसने दे रखा है, जनरल एलिमेंट आपका ये 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पूछ रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं बेटा फर्स्ट पार्ट में इसके, है ना, इसका जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, तो उसमें मैं क्या करने वाला हूं बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या किया एक मैट्रिक्स ली और ए ए ए 2×2 ऑर्डर है ना, उसके बाद हमने क्या लिखा इसको 1×1, 1×2, 2×1 और बेटा आपको पता है 2×2, फिर सारे एलिमेंट्स में फाइंड करूंगा किसकी हेल्प से, फर्स्ट वाले की, तो आपको क्या दे रखा है उसने ए आई जे,
और ये आई जे है क्या बेटा आपका आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में बेटा आपका टू। अब आप क्या करने वाले हैं देखिएगा बेटा, आपको क्या चाहिए ए वन वन, तो ये वन वन का मीनिंग ये हुआ जहां आई है वहां क्या है वन, और जहां जे है वहां भी क्या है बच्चे वन। हम क्या करेंगे इसमें आई के प्लेस पर और जे के प्लेस पर दोनों के प्लेस पर हमने वन पुट किया, देन टू स्क्वायर अपॉन टू, तो कितना है बेटा आपका ये टू आ गया। अब आप देखिएगा ए क्या निकालूंगा मैं वन टू, तो वन टू का मीनिंग हुआ बेटा आपका जहां आई है वहां क्या है वन, जहां जे है वहां क्या है आपका टू, तो इसका मतलब आई के प्लेस पर वन रखना है जे के प्लेस पर टू रखना है। तो आप देखिए इसमें आई के प्लेस पर वन और जे के प्लेस पर टू आपने पुट कर दिया अपॉन में टू आपका, तो ये कितना थ्री का स्क्वायर अपॉन में टू, देन कितना नाइन बाय टू। अब अगर मैं ए टू वन की बात करूं बेटा आपसे, तो ए टू वन ये वाला आपका एलिमेंट है ना, चारों निकाल लें चार के चार एलिमेंट, तो आप क्या करेंगे बेटा जहां आई है वहां क्या आपका टू और जहां जे है वहां क्या आपका वन, तो आप क्या करने वाले बेटा टू प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, देन थ्री स्क्वायर बाई टू और इक्वल्स टू नाइन बाय टू, और लास्ट एलिमेंट आपका ए टू टू। तो आप देखिएगा आपने लेट कर लिया था, मान लो ये ए इक्वल था, तो अब आप देखिएगा बेटा ए टू टू का मतलब हुआ आई के प्लेस पर भी टू और जे के प्लेस पर भी क्या है बेटा आपका जे के प्लेस पर भी क्या है टू, तो आप देखिए टू प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन में टू, तो कितना है बेटा फोर स्क्वायर बाई टू, फोर स्क्वायर मतलब सिक्सटीन बाई टू और इक्वल टू कितना एट। तो यहां पर बेटा अगर कहा जाए कि ए इक्वल क्या आया है हमारा, तो ए इक्वल आ चुका है मेरे बच्चों क्या आपका ए वन वन था, देखिए वन वन, अब वन वन के प्लेस पर क्या लिखने वालों में टू, उसके बाद क्या था बेटा आपका ए वन टू, तो वन टू के प्लेस पर क्या लिखने वालों बेटा मैं आपका नाइन बाई टू, देखिए टू वन, टू वन के प्लेस पर क्या लिखने वालों बेटा मैं आपका नाइन बाई टू, टू टू, टू टू के प्लेस पर क्या लिखने वालों बेटा मैं आपका एट। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, ठीक है। अब जिस वे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया है ना, बिल्कुल उसी वे में आप क्या करेंगे सेकंड पार्ट के लिए प्रिपेयर रहेंगे। सेकंड पार्ट आपका ये है, फिर थर्ड पार्ट आपका ये है। सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, मान लीजिए बी आपने मैट्रिक्स सिलेक्ट कर ली और ये क्या बेटा आपका ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू, तो आपको इसमें भी क्या निकालना है ए वन वन, यानी कि क्या करेंगे आप इसमें बेटा I के प्लस पर वन वन, तो वन आ रहा है ए वन टू, तो ये वाला आप खुद करेंगे, ठीक है, सेकेंड और थर्ड पार्ट, ठीक है। इसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, बिल्कुल इसी कैटेगरी का है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें थ्री इंटू फोर की मैट्रिक्स बनानी है, क्या बनानी है बेटा थ्री इंटू फोर की मैट्रिक्स, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपने लेट कर लिया कि भैया ए कॉस टू जो है ना हमारा वो ये है जिसमें थ्री रोज हो फोर कॉलम्स हो, तो आप देखिएगा ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री और बेटा ए वन फोर, फिर आपका बेटा ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री और ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री और ए थ्री फोर। तो बेटा ये ऑर्डर है इसका थ्री इंटू में फोर, आप देख सकते हैं। अब आपने क्या करना, टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे बेटा आपके इसमें, टोटल एलिमेंट्स आ रहे मेरे बच्चों इसमें कितने आ रहे आपके बेटा टोटल 12, तो आपको 12 कैलकुलेशंस करनी है इसमें। फर्स्ट पार्ट आपका ये दे रखा है, सबसे पहले ए आई जे आपको उसने दिया हाफ ऑफ मॉडुलस में माइनस थ्री आई प्लस जे। अब जब आप चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं वन वन, तो आप क्या करेंगे आई के प्लेस पर जे के प्लेस पर दोनों के प्लेस पर वन वन, तो आप देखिएगा ध्यान से बेटा थ्री इंटू वन प्लस वन, तो कितना आएगा ये वन बाई टू, ये माइनस का थ्री और वन माइनस का टू, लेकिन मोड से बाहर आकर क्या हो जाता है बेटा आपका प्लस का टू, तो ये कितना आया बेटा आपका वन। अब ए वन टू, तो ए वन टू में क्या करेंगे बेटा आपको पता है आई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, आई के प्लेस पर बेटा वन और जे के प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे इसमें बेटा टू, तो आप देखिए जहां पर आपका आई है वहां क्या पुट कर रहा हूं बेटा मैं वन और जे के प्लेस पर टू। तो अब आप देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन के साथ कि मैं क्या पुट करने वाला हूं और क्या आने वाला है आपका, तो देखिए बेटा इसमें अच्छे से है ना क्या है वन बाई टू, ये माइनस थ्री में से टू गया कितना बचेगा बेटा आपका माइनस का वन और ये बाहर निकल कर आएगा तो प्लस वन, तो वन बाई टू। इसी तरह से बेटा आप क्या करेंगे वन थ्री निकालेंगे, इसी तरह से क्या करेंगे वन फोर निकालेंगे,
और ये यही कहानी नहीं रुकेगी बेटा, फिर क्या करोगे आप, ये तो पहली रो हुई है, फिर आप क्या निकालोगे, ए टू वन निकालोगे, ए टू टू निकालोगे, ए टू थ्री और ए टू फोर, अभी आपकी सेकंड रो हो जाएगी, फिर आपको क्या करना है बेटा, ए थ्री वन निकालना है, ए थ्री फोर टू निकालना है और ए थ्री थ्री फाइंड करना है और ए थ्री फोर। अब जैसे ए थ्री फोर करना है तो आई के प्लस पर क्या रखेंगे बेटा, बताइए आई के प्लस पर क्या रखेंगे हम इसमें बेटा, माइनस थ्री इंटू, तो आई के प्लस पर आएगा थ्री और प्लस जे, जे के प्लस पर क्या आएगा बेटा आपका फोर। तो ये मैंने आपको वैसे बता दिया है कि है कुछ नहीं, माइनस नाइन, नाइन में से फोर गया कितना बचा बेटा आपका माइनस का फाइव, और माइनस का फाइव बाहर आकर क्या आ जाता है फाइव बाई टू, क्योंकि मोड के अंदर है। और जब ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो हम क्या रख देंगे, इसके प्लस पर रख देंगे। ये तो सिर्फ आपका फर्स्ट पार्ट है, फिर आपका क्या होगा सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, होते इजी है, सभी करते हैं, लेकिन इसके करने में जो है ना क्वालिटी कब आएगी, जब आप क्या करोगे इसको कम से कम टाइम में करोगे, ठीक है, जितना कम टाइम में आप करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है, अच्छी स्पीड निकल जाती है एग्जामिनेशन में, ठीक है। चलिए शायद कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर एट, एट वाले मैंने आपको कराया था ना बेटा, एट वाले में मैंने आपको क्या बताया था, देखिएगा जैसे यहां पर फर्स्ट वाले में डायरेक्ट कर लीजिए एक्स इक्वल वन, एक्स इक्वल वन और क्या बेटा आपका जेड इक्वल टू थ्री और वाई इक्वल टू फोर और जेड इक्वल टू आपका बेटा थ्री, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना। थर्ड वाला, चलो थर्ड वाला बता देता हूं, इसमें कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तीन ही क्वेश्चन है ना, तो आप देखिएगा बेटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में आपका कितना आएगा मेरे बच्चों, आपका नाइन, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप देखिएगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू में क्या आ रहा है मेरे बच्चों आपका फाइव और नेक्स्ट आपका वाई प्लस जेड इक्वल टू में कितना आ रहा है आपका बेटा सेवन। देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर तीन इक्वेशन आ गई और तीन आपके वेरिएबल है तो वैल्यू 100% निकल जाएगी, हो सकता है कि थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके हो, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे भी करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा मैं तो यहाँ पर y प्लस जेड ये भी है, y प्लस जेड ये भी है, तो इसकी वैल्यू मैं फर्स्ट में पुट कर दूं, है ना, देखिएगा पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं इसको रख रहा हूं तो आपका क्या आ रहा है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा x प्लस y प्लस जेड के प्लेस पर क्या आएगा बेटा आपका सेवन और इक्वल टू में आपका नाइन, देन x इक्वल ये सेवन जाके माइनस हो गया तो x इक्वल आपका आ गया टू। अब मैं इसको अगर पुट कर दू, पुट इन सेकेंड इक्वेशन, तो ध्यान से देखिएगा सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में क्या आपका x, x के प्लेस पर आ गया टू और प्लस में क्या है z और इक्वल टू में बेटा आपका फाइव, देन z इक्वल टू फाइव में से टू गया तो कितना आएगा आपका बेटा थ्री आ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ये जो आप z इक्वल थ्री आ गया इसको कहां पुट कर दीजिए आप, पुट इन थर्ड इक्वेशन, पुट इन किसमें रख दीजिए आप, इसमें थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए, तो थर्ड इक्वेशन में आप रखेंगे तो क्या है वाई प्लस जेड है ना, वाई प्लस जेड और जेड क्या आपका थ्री और इक्वल टू में आपका बेटा सेवन है, देन y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा टोटल ये आपका फोर आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इस टाइप से हम कर लेते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया था पहले ही, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें इसमें भी वही दे रखा है वैसे तो, बट एक तरीके से करा देता हूँ, ए माइनस बी इक्वल टू क्या आपका बेटा माइनस वन, ए माइनस बी इक्वल टू क्या है माइनस वन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो बच्चा गलती क्या करता है, इसके नीचे वाली इक्वेशन लिख लेता है, ये नहीं लिखनी, ए और बी में है ना पहली इक्वेशन, तो ए और बी में ही ले लीजिए आप सेकंड इक्वेशन भी, टू ए माइनस बी और इक्वल टू में क्या बेटा आपका जाएगा जीरो। तो पहले हम ए और बी वाली को सॉल्व कर देते हैं बेटा, यहाँ देखिए आपने क्या किया सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर, है ना बेटा, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, जब सेम साइन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ये चेंज कर देंगे प्लस और ये माइनस और ये भी माइनस, ये आपका कैंसिल, अब ये कितना बचा 2a में से बने गए तो माइनस का a और इक्वल टू में आपका क्या है ऊपर देखेंगे तो माइनस वन, देन a इक्वल टू आपका वन आ गया। इसको आप पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड में भी रख सकते थे, तो आप देखिएगा a के प्लेस पर क्या रख रहे हैं बेटा हम इसमें वन रख रहे वन और माइनस बी और इक्वल टू में माइनस वन, देन वन इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस वन और ये बी उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ टू इक्वल टू में क्या आ गया आपका बी या बी इक्वल टू बात एक की है। अब जैसे ये सॉल्व किए वैसे आप किसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, सीओडी वाले को सॉल्व कर लीजिए, तो सीओडी वाले में क्या दे रखा आपको देखिएगा, ये क्या है बेटा आपका ये टू ए प्लस सी, ये आसान हो जाएगा आपका, टू ए प्लस सी इक्वल टू आपका क्या है बेटा फाइव है, तो
तो ये कौन सी थर्ड इक्वेशन हो गई। तो आप देखिएगा इसमें, बल्कि थर्ड इक्वेशन मानने की जरूरत नहीं है वैसे तो, बट कोई नहीं आप देख लीजिए। तो ए, ए के प्लेस पर क्या लिख सकता हूं बेटा मैं आपका, जो हम फाइन कर चुके थे, हमने क्या फाइन किया था, वन बेटा। तो यहाँ पर क्या प्लस थ्री और इक्वल टू में फाइव, तो ये कितना आ गया है, सी इक्वल टू में थ्री। अब नेक्स्ट इक्वेशन ले लीजिए बेटा आप, इसमें थ्री सी प्लस डी और इक्वल टू में कितना मेरे बच्चों, थर्टीन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थ्री इंटू में सी यानी थ्री और प्लस डी इक्वल टू में थर्टीन, ये नाइन हो गया। नाइन से जाकर माइनस हुआ तो कितना आ गया बेटा आपका, ये टोटल फोर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा, ए बी सी डी आप फाइंड कर चुके हैं सारा का सारा। अब देखिए वो क्या पूछ रहा है आपसे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। उसने कहा ए अगर एक मैट्रिक्स दे रखी है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कब, अगर एम छोटा एम बड़ा या इक्वल। बेटा आपको पता है एम क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। और मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में बताया था कि नंबर ऑफ रोज जो होते हैं हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पर बेटा, नेक्स्ट में क्या दे रखा बेटा, वही है आपका, ठीक है, थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल क्या लिखेंगे हम, जीरो। क्या आएगा बेटा आपका, थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू में कितना आएगा बेटा आपका, जीरो। तो थ्री एक्स इक्वल टू में माइनस सेवन और एक्स इक्वल टू में माइनस सेवन बाय थ्री। और इसी तरह से क्या हो सकता है बेटा आपका, वाई वाले ले लीजिए, तो वाई माइनस टू, वाई माइनस टू इक्वल टू में आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, फाइव। देन बेटा y cos 2 कितना आ जाएगा यहाँ से, टोटल 7। तो आपने क्या किया, ये वैल्यू फाइंड कर दी। तो कौन सी वैल्यू आ रही बेटा आपकी, आप देखिए, अगर मैंने x वाली वैल्यू फाइंड की तो x वाला तो आपका दिखाई नहीं देगा, तो कौन सा हो गया आपका, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अरे लेकिन पॉसिबल करना, पॉसिबल तो है आपका, देखो कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, देखो बहुत सिली मिस्टेक हुई है कोई, थ्री एक्स प्लस सेवन इक्वल टू में आपका जीरो आ रहा है, ठीक है। तो अब आपका, अरे दो वैल्यूज आ रही है आपके यहाँ पर, एक्स की टू वैल्यूज आ रही है, तो कोई नहीं, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। और वाई की वैल्यू तो देखिए यहाँ से भी वही आ रही है, वाई की वैल्यू तो मैंने क्या किया, अगर मैं क्या करता हूँ वाई प्लस वन इक्व टू में एट करता हूँ, तो वाई इक्व टू कितना आएगा आपका बेटा, सेवन आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स वाला देखूँ, एक्स वाले को आप जरा ध्यान से देखना, ये ना आपका बेटा, ये मैंने क्या किया, टू माइनस थ्री एक्स और इक्व टू में कितना बेटा आपका, फोर है। तो फोर इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये थ्री एक्स उधर आकर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। ये कितना बचा, माइनस टू देन थ्री एक्स, तो यहाँ से एक्स इक्व टू कितना आ रहा है, माइनस टू बाई थ्री आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा आपका, एक्स इक्व टू माइनस के टू बाई थ्री आ रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग तो ये आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। बट आप यहाँ भी देखिएगा भाई, अगर थ्री एक्स प्लस सेवन जो है आपका जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर ये जीरो है तो आप क्या करेंगे बेटा, समझ रहे हैं आप, इसमें आप क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिसेस में आप क्या करेंगे इस कंडीशन में। तो भाई यहाँ पर क्या आपका x इक्वल तो माइनस के सेवन बाई थ्री ही आएगा ना, तो कहने का मतलब या तो क्वेश्चन ही गलत है या फिर आपका ज्यादा बेस्ट इसके अकॉर्डिंग जो हमारे आंसर आ रहे हैं फिर वो ये ही आंसर होना चाहिए, ठीक है। बट खैर कोई नहीं, लेकिन नॉट पॉसिबल टू फाइंड लिखा हुआ है ना, नन ऑफ दीज होता तो ज्यादा बेस्ट रहता, तो आपका वही आंसर सही है, क्योंकि फाइंड करना तो और देखा वो फाइंड होंगे नहीं क्योंकि दोनों गलत ही दे रखा है, ठीक है। चलो खैर कोई नहीं, अब आप आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट जो आपको दे रखा है देखिएगा बेटा, इसमें क्या आपका द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर थ्री इंटू थ्री, थ्री इंटू थ्री की कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल है अगर उसकी एंट्री किससे हो, जीरो से और वन से हो। बेटा इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ में मैं आपको एक प्रैक्टिकली अप्रोच दूंगा इस क्वेश्चन की। देखिए पहले तो फॉर्मूला बेस्ड आप देख लीजिए, क्या है आपका यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ये टोटल कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर ऑर्डर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपके, देखिएगा जीरो और वन, तो कितने हो गए आपके, टू, और ऑर्डर कितना बेटा, थ्री इंटू थ्री, तो टू की पावर नाइन, और ये कितना है, फाइव वन टू। तो ये तो हो गई आपकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्रोच हो गई है, ठीक है, और होनी सी के अकॉर्डिंग चाहिए वैसे, लेकिन थोड़ा सा पता तो चले कि है क्या, क्योंकि इसके बारे में तो मैंने आपको नहीं बताया ना अभी तक, तो थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको कि ये है क्या, कैसे होता है। तो देखिएगा बेटा, अगर मैं कहूँ बेटा एक वन इंटू टू ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है मैंने, ठीक है, और यूज करना है सिर्फ दो एलिमेंट्स का, जीरो का और वन का,
तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है देखिएगा, हो सकता है कि जीरो जीरो आ जाए, हो सकता है कि जीरो और वन आ जाए, हो सकता है कि वन और जीरो आ जाए, और हो सकता है कि बेटा वन और वन आ जाए। तो टोटल कितनी बैठी थी बेटा आपकी, टोटल फोर आ रही है ना, समझ रहे हैं आप। इसके अदर देन तो कोई भी पॉसिबल नहीं है ना। अब अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसमें, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है टू, और उसकी पावर ऑर्डर, ऑर्डर कितना है आपका वन इंटू टू, तो आप देखिए टू टू दी पावर टू, तो कितना आ रहा है फोर। तो ये आपका बेटा खत्म, आपकी 3.1। बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा इसको, और 3.2 कराता हूं।